एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित शेखुपुरा गांव पड़ा। लगभग 2400 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान कमलजीत सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1189 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर पूरी तरह अग्रसर दिखाई दिया। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 85 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, नाले का निर्माण, खड़ंजे का निर्माण व अस्पताल में मरम्मत कार्य भी वर्तमान प्रधान ने करवाया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 24 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 20 विद्युत पोल व 4 विद्युत ट्रांसफार्मर गांव में लगवाए जा चुके हैं। इसी के साथ पथ प्रकाशन के लिए 10 सोलर लाइटें भी प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पंचायत भवन, नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मैं जगपाल सिंह, ग्राम निवासी से ब्लॉक सरसावा सहारनपुर से हूँ, और मैं मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल में सीसी की कमी है, नीचे बच्चों को चोटें लगती हैं और खड़ंजा बिछा हुआ है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे स्कूल में ये सीसी पड़ जाए तो और बेहतर शिक्षित कार्य सही रूप से चल सके, सफाई वगैरह भी विशेष रूप से हो सकती है। फिर खड़ंजे में बच्चे जो है सफाई नहीं करा पाते जिस तरह से सीसी पर होती है, इसलिए जो है हम ये चाहते हैं कि मतलब ये गंदगी हट जाए और यहाँ सफाई सुचारू रूप से हो सके, खड़ंजे में सफाई होने का। बोलिए, मैं सादिया परवीन, सहायक इंचार्ज, सहायक अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेखपुरा। तो बिल्डिंग के हिसाब से तो मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे इसमें स्कूल में गेट नहीं है और बाउंड्री टूटी हुई है, जिसको मैं मतलब कह भी चुकी हूँ और प्रधान जी कह भी रहे हैं कि मैं करा भी दूंगा। और दूसरे यहाँ पे जो है इसका ये इतना वो बन जाए ना, खड़ंजा या सीसी डल जाए तो मेरे बच्चों को बैठने में आसानी हो जाएगी, थोड़ी चलने फिरने में साफ सफाई की व्यवस्था सही हो जाएगी जी। एक मैं यहाँ पर मेरे मतलब बच्चों की भी, बच्चे अभी यहाँ पर स्कूल में इधर से ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते, 5 साल से मैं यहाँ पर, 10 साल हो गए अब तो, और 5 साल से मैं बिल्कुल अकेली टीचर हूँ। एक टीचर है मेरे पास जो पिछले साल आई थी, वो भी छुट्टी पे चल रही है क्योंकि वो दूसरे जनपद से है, सीसीएल लिए हुए है वो, तो मैं अकेली रह जाती हूँ यहाँ पे, तो कोई हेडमास्टर आना चाहिए।